फ्रेंड, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या? तो सपोज करो जो लेट ए और बी, ए एंड बी, ठीक है, ये इवेंट है, ठीक है, इवेंट है ऑफ सैंपल स्पेस हमारा एस का, सैंपल स्पेस एस का ये एक इवेंट है, ठीक है, और ये एसोसिएट विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यानी सैंपल स्पेस के अंदर ये दोनों इवेंट आएगा ए और बी, ठीक है। तो अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, ए का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होगा गिवन दैट बी हैज, इवेंट बी हैज ऑलरेडी अक्कर, ऑलरेडी अक्कर, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, यानी इसको इस तरह भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ठीक है, ये है, इसको पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अक्कर, इवेंट बी हैज ऑलरेडी अक्कर, ए ऑब्लिक बी, उसी को हम लोग ए बाय बी, इसके बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब इसी चीज को हम लिख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, गिवन डैट, ठीक है, गिवन डैट ए हैज ऑलरेडी अक्कर, ठीक है। तो यहां पर बदल जाएगा, अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है, या बी ऑब्लिक ए, तो होगा सेम होगा, यही चीज होगा, सिर्फ जो ऑलरेडी अक्कर वो चेंज होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो जो ऑलरेडी अक्कर होगा उससे डिवाइड कर देंगे, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका हम एक एग्जांपल लेंगे जो और आपको क्लियर कर देगा, तो लेते हैं। अब सपोज करो कि टू टॉ थी डाइस का क्या किया जाता है, थ्रोन किया जाता है, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन करता हूं एग्जांपल में तो आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, टू डाइस, टू डाइस यानी पासा, दो पासा को एक साथ फेंका जा रहा है, टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड इवन नंबर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड इवन नंबर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एंड इवन नंबर, ठीक है, एंड इवन नंबर इफ द आउटकम on two dice exhibiting exhibits always exhibit, ठीक है, a sum of eight, a sum of eight। अब यहां देखो conditional probability अपने आप पे आ रहा है, दो dice को हम thrown करते हैं और हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एक नंबर का, जो इवन नंबर आएगा फर्स्ट डाई,
ये देखो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो फर्स्ट डाई पहला पासा में हमारा इवन नंबर आना चाहिए, ठीक है, ये हमारा शर्त है। लेकिन उससे पहले जो आउटकम होगा दोनों डाइस पर वो ऑलवेज एग्जीबिट करेगा 8, यानी सम 8 होगा। तो जैसे ही इफ लगा ये हमारा क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जिसको डिवाइड करते हैं मतलब वो ऑलरेडी अक्कर हो चुका है। तो आप देखोगे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस अगर दो को फेंकेंगे पासा को 36 होता है, ठीक है। अब ए को मान लेते हैं इवेंट ऑफ गेटिंग, ठीक है, इवेंट ऑफ गेटिंग एंड इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो इवन नंबर अगर फर्स्ट डाई में आप करना चाहोगे तो क्या होगा, 2 1 2 2, ठीक है, पहला में इवेंट हो बाकी दूसरा में कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। उसके बाद इवेंट नंबर 2 हो गया, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, इसी तरह आप यहाँ भी 36 होगा, 1 1 1 2 1 से लेके 1 से 6, फिर 2 से 2 3, हम 6 वाला लिख दे रहे हैं, 1 3 वाला छूट रहा है, वो मतलब ये टोटल वाला नंबर ऑफ टोटल सैंपल स्पेस। यहाँ होगा 6 भी एक इवन नंबर है, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, अब ये हमारा इवन नंबर वाला जितना भी पेयर है हमने बना लिया। आप इसको काउंट करोगे तो नंबर ऑफ इवेंट ए इक्वल टू 18 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ इवेंट ए बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो 18/36 हमारा निकल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब बी में हम मान लेते हैं, बी को क्या मानेंगे भैया, बी लेट इसको मान लेते हैं, बी में जो दूसरा है कि जो नंबर आएगा वो सम ऑफ दोनों आउटकम जो आएगा वो एग्जिबिट करेगा 8 का। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर देख सकते हो, ऐसे तो सब में हमको यहाँ देखना है, तो यहाँ पर देखो कौन कौन सा नंबर में होगा, तो 2 6 में 8 होगा, और इसी को पलट के करते हैं 6 2 में भी 8 होगा, फिर है 5 3, ठीक है, फिर 3 5 ये भी होगा, और 4 4 भी 8 होगा, अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट बी इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, तो नंबर ऑफ इवेंट बी बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इवेंट बी 5 36। अब ये दोनों में इंटरसेक्शन कौन कर रहा है देखेंगे, ए और बी जो में इवेंट में क्या क्या इंटरसेक्शन कर रहा है। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो कि हमको चाहिए जो पहला में इवेंट नंबर आए, तो आप देखो यहाँ यहाँ पर हमारा इवेंट नंबर आ रहा है, यहाँ आ रहा है और यहाँ आ रहा है, तीन जगह हमारा इवेंट नंबर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 3/36। ऐसा क्यों, कि 3 ठो हमारा मैच कर रहा है किससे, ए से। आप ये देख सकते हो 2 6 यहाँ मिल जाएगा, 6 2 यहाँ मिल गया, ठीक है, और 4 4 यहाँ मिल गया। तो हम जानते हैं कि ए को क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, गिवन दैट बी हैज ए अक्कर। तो इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब सबका वैल्यू हमारे पास, इसका वैल्यू आया 3/36 3/36, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप देखो क्या है, 5/36 5/36। तो इसको आप सॉल्व करो, 3/36 by 36 by 5 36 36 कैंसिल, 3/5 इज द आंसर। आई होप कि आप कंसेप्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो लिख कमेंट करें, और भी वीडियो मैं इस पर बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। जय हिंद।